गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज वेडनेसडे है और हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में आज कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज होगा पार्ट टू, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारी कंट्री में गवर्नेंस की तीन लेयर हैं, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। और लोकल गवर्नमेंट दो तरह की होती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के एरिया में इसको अपनाया जा रहा है। अगर रूरल एरियाज में है तो ये पंचायत, और अगर शहरी इलाकों में है तो नगर पालिका। कल हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायती राज सिस्टम को देखा। आज हम वही काम करेंगे नगर पालिका के विषय में। तो आइए थोड़ी इतिहास को देखते हैं। म्युनिसिपल गवर्नेंस इंडिया में 1666 से ही था, जब अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैड्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया। 1726 में कैलकटा और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बनाया गया। लॉर्ड रिपन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1882 में, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की और डेमोक्रेटिकली फॉर्म म्युनिसिपल गवर्नेंस को उन्होंने स्थापित करना चाहा। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उन्होंने ऐसा काम इसलिए किया कि वो अपने खर्चों को बचाना चाह रहे थे, जो कि उन्हें होम चार्जेस में खर्च करना पड़ता था। यानी वो काम जिसे कराने के लिए उन्हें एक इंग्लिश एम्प्लॉय को रखना पड़ता था, वही काम वो चाहते थे कि यहाँ पर इंडियंस खुद कर लें। तो अपने कुछ खर्चों को बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस के बारे में सोचा। 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। उस एक्ट में भी इस जरूरत को पहचाना गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए हमारे कंट्री में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर से आई और इसने लोकल गवर्नमेंट को स्टेट के अंदर या अंतर्गत डाला और कुछ स्पेसिफिक पावर्स उन्हें भी दिए गए। तो दोस्तों, आज हमारा ब्रॉडली टॉपिक, जिस तरह से हम अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अर्बन एरियाज़ क्या हैं। पहला, ऑल प्लेसेस, हर वो जगह जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड एरिया टाउन है, उस एरिया को अर्बन एरिया बोला जाएगा। और दूसरा कैटेगरी है वो एरिया जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन 5000 है, एटलीस्ट 75% लोग वहां पर नॉन एग्रीकल्चरल काम में जुड़े हुए हैं और वहां की डेंसिटी कम से कम 400% या 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। जो पहले कैटेगरी के टाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसे स्टैट्यूटरी टाउन कहते हैं। ऐसे टाउन जिस स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है, वहां पर अंडर लॉ मेंशनड है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ टाउन हम जिसकी बात की है हमने, जहां पर 5000 लोग हैं, मिनिमम 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए और 75% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल काम करने चाहिए, ये सेंसस के आधार पे हमें पता चला है। इसी कारण से ऐसे टाउन्स को सेंसस टाउन कहते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए अर्बन लोकल बॉडीज आई हमारे देश में, अंडर दिस तीन कैटेगरी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी बन गई। एक महानगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, नगर पालिका, म्युनिसिपलिटी, और नगर पंचायत, नोटिफाइड एरिया काउंसिल एंड सिटी काउंसिल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं अर्बन लोकल बॉडीज की? 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंशन करता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W, जैसा कि मैंने कल कहा था कि आर्टिकल 243 में अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, ये सारी अर्बन लोकल बॉडीज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जितने कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे 243 आर्टिकल में डाले हुए हैं। तो आर्टिकल 243W कहता है कि 18 फंक्शंस दिए गए हैं अर्बन लोकल बॉडीज को, उनके काम में उनको इंट्रस्ट किया गया है, उन्हें दिया गया है। इट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना, सोशल जस्टिस के लिए काम करना, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को मिटाने के लिए जो शहरी इलाकों में है ऐसे प्रोग्राम को ले आना, और कल्चरल, एडुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए भी ऐसे प्रोग्राम करना अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस में है। यहां पर हम थोड़ी सी एक डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस को लेके। जैसा कि हमने कल देखा था, ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है जिसे करना ही है, और एक फंक्शन है डिस्क्रिशनरी जो वो ऑप्शनल समझते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करने का प्रयास करना है। ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज की जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं और डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग पाई जाती हैं। जैसा कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट आर ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ये ऑब्लिगेटरी हैं, मैंडेटरी हैं महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी में, लेकिन सेम चीजें कर्नाटका में डिस्क्रिशनरी हैं, यानी ऑप्शनल हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑल अक्रॉस कंट्री, हमारे पूरी कंट्री में ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिशनरी फंक्शन को लेकर नहीं है। अब करते हैं बात डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। कल भी हमने इस बारे में पढ़ा था थोड़ा डिटेल में, आज हम संक्षिप्त में इसको देखेंगे। हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएगा और इस प्लानिंग कमेटी के जरिए
पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के द्वारा जो प्लानिंग की गई है उनको कंसोलिडेट करेगा, यानी संगठित करेगा, और मिला के जो डिस्ट्रिक्ट में एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा जिसके आधार पे पूरी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट की प्लानिंग की जाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर इसके बारे में प्रोविजंस बनाएगा कि ऐसी कमेटी में कौन से मेंबर हों और किस तरह से उनका इलेक्शन होगा। कम से कम 4/5 4/5 मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज। यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और म्यूनिसिपलिटीज में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज के मेंबर्स को चुना जाएगा और वो कम से कम 4/5 होने चाहिए ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड या बनाया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा और ये कम से कम ऐसे एरिया में होगा जहां पर 10 लाख या उससे ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं और एक या एक से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटीज आ सकती हैं और पंचायत। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि कम से कम 2/3 मेंबर इस कमेटी के इलेक्टेड हुए जाने चाहिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के उनके द्वारा। तो दोस्तों ये संक्षिप्त में कुछ हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ा। 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे कंट्रीज में पाई जाती हैं, मैंने उनके बारे में लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस क्लास एक मेंशन कर दिया है और कुछ डिटेल वहां पर मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए अब हम अर्बन लोकल बॉडीज को खत्म करते हैं, पेसा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत हम ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर करेंगे कि हमारे कंट्री में लगभग 8% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन की है या आदिवासियों की है। और जब भी किसी तरह का पब्लिक डिस्प्लेस हुआ है किसी प्रोजेक्ट में किसी डेवलपमेंट प्लान में, ऑलमोस्ट 40% भाग इस डिस्प्लेसमेंट के केवल ट्राइबल पॉपुलेशन ही होते हैं। और अधिकतर ये ट्राइबल पॉपुलेशन या आदिवासी या जनजाति कभी भी हमारे मेन स्ट्रीम के साथ मिल नहीं पाई, क्योंकि हमारा गवर्नेंस का स्टाइल और उनके गवर्नेंस के स्टाइल में अंतर है। ये अपने कस्टमरी लॉज फॉलो करते हैं, ट्राइबल वे ऑफ लिविंग फॉलो करते हैं और अपना खुद का इनका एक सेल्फ गवर्नमेंट का रूल होता है जिसको हमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो इसी कारण से ये अलग थलग पड़ जाते हैं और किसी भी तरह के सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम में जब ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते हैं, ये खुद का अपना एक कस्टमरी लॉ एक सर्कल बना के रहते हैं और उसमें बाहर वालों को एक्सेप्ट भी नहीं करते आने के लिए, तो इनके वल्नरेबिलिटी के जो फैक्टर है वो और बढ़ जाता है। हम इनको ठीक से समझ नहीं पाते या ये हमें समझ नहीं पाते, हमारे डेवलपमेंट प्लानिंग इनके डेवलपमेंट प्लानिंग या फिर इनके इंटरेस्ट को क्रिस क्रॉस करती है। तो इस कारण से हमारे देश के ट्राइबल पॉपुलेशन काफी हद तक डिस्टर्ब रहते हैं। पेसा एक्ट 1996 में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सोचा गया कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के लाइफ में या फिर शेड्यूल एरियाज में जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उनके सफरिंग को कम करेगा। और ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि कॉलोनियल लॉ और हमारे देश में आजादी के बाद जो लॉ बनाए गए दोनों से ही वो एक बराबर के शिकार रहे हैं, तो उनकी इस पीड़ा को थोड़ी कम की जाएगी। किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्लानिंग या लॉ के कारण से उनका जो फॉरेस्ट उनके हाथ से हट जाता है या छिन जाता है, लैंड उनका ले लिया जाता है, उनके कम्युनिटी रिसोर्स भी काफी हद तक उनसे छिन जाते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग के कारण से। कई बार डैम बनाना पड़ता है तो वहां से बहुत लोगों को एन मास ट्रांसफर करके कहीं और डिपोर्ट करना पड़ता है, तो उस कारण से उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 सेल्फ गवर्नमेंट को एंश्योर करता है शेड्यूल एरियाज में। शेड्यूल एरियाज के बारे में समझते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में मेंशन है और आर्टिकल 244/1 क्लॉज जो है वहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन एरियाज को शेड्यूल एरिया कहते हैं। हमारे देश में लगभग 10 राज्यों में शेड्यूल एरिया पाए जाते हैं और यहां पर अधिकतर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। शेड्यूल एरिया में जो पंचायती राज सिस्टम या व्यवस्था की जरूरत थी वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं लाई गई थी। यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खासकर रूरल एरियाज को कवर किया था, लेकिन किसी भी तरह के शेड्यूल एरियाज को जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उसे नहीं इंक्लूड किया गया था। पेसा एक्ट 24th December 1996 को आया और जो फैसिलिटी हमारे पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी, उन फैसिलिटीज को कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ साथ उन्हें शेड्यूल एरियाज में एक्सटेंड किया गया। अकॉर्डिंग टू पेसा एक्ट, पंचायत लेवल की जो सुविधाएं हैं वो जो शेड्यूल एरियाज में दी गई हैं, वहां पर जो उनकी लोकल ग्राम सभा है वो कुछ कस्टमरी राइट पे या कुछ इश्यूज के ऊपर वो स्वयं निर्णय ले सकती है, जैसा कि कस्टमरी रिसोर्सेज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर मिनरल्स कुछ हो वहां पर फॉरेस्ट में पाए जाने वाले, माइनर वाटर बॉडीज उनके ऊपर भी ट्राइबल पॉपुलेशन का ही हक होना है। बेनिफिशियरी, किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर चलाया जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन में तो उसके बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना भी ग्राम सभा का ही काम होगा कि ये टारगेटेड बंदा है, इसे प्रॉब्लम है, इसे मिलनी चाहिए ये सुविधाएं।
और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर किसी भी ट्राइबल एरियाज में या शेड्यूल एरियाज में किया जाता है तो वहां की गवर्नमेंट या ग्राम सभा जो है लोकल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सच में वाकई में फायदेमंद है और किसी भी तरह के लोकल इंस्टीट्यूशन को वहां पर कंट्रोल भी करने का काम ग्राम सभा को ही दिया जाएगा वहां के। तो कई तरह के प्रोविजंस हैं पेसा एक्ट में। स्टेट लेजिस्लेशन अगर कोई भी कानून लेके आती है तो वो कस्टमरी राइट जो शेड्यूल एरियाज में रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको फॉलो करे या उनकी रेस्पेक्ट करे, उनको इग्नोर ना किया जाए। यहाँ पर ग्राम सभा और हैमलेट लेवल विलेज के डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। जिस तरह के ग्राम सभा हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़े थे, यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन में इसमें अंतर है। वो ये है कि यहाँ पर ग्राम सभा, ग्रुप ऑफ ग्राम सभा या विलेज या हैमलेट लेवल के विलेजेस जो ग्रुप ऑफ हैमलेट लेवल ऑफ विलेज होते हैं, वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक तरह के कस्टमरी राइट को फॉलो करते हैं। यानी एक ही ट्राइबल ग्रुप के लोगों को, चाहे वो कुछ हैमलेट में हो या कुछ विलेजेस में हो या एक ही विलेज में हो, तो उनको मिला के ही एक ग्राम सभा बनाई जाती है। दो अलग अलग तरह के कस्टमरी राइट को फॉलो करने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन को एक ग्राम सभा का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन। हर ग्राम सभा को ये शक्ति दी जाएगी कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम्स एंड कल्चर को सेफ गार्ड करे, अपनी आइडेंटिटी को वो बचाए रखे, अपने कम्युनिटी रिसोर्स की वो देखभाल कर पाए और किसी भी तरह के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अपने ही कस्टमरी तरीके से या रिजॉल्व कर पाए। किसी भी तरह का अप्रूवल अगर है, ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि उसे उस प्लान को वहाँ अप्रूव करना है या प्रोजेक्ट आना चाहिए या नहीं, वो एक्चुअल बेनिफिशियरी को भी सिलेक्ट करेगी। ग्राम सभा का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी हक होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। ग्राम सभा को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप दिया गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसे प्रोड्यूस हैं जो फॉरेस्ट से पाए जाते हैं, जैसे कि टेंडू लीव, लकड़ियां, सूखी जो पत्ती पाई जाती है वहां पर, और भी कई तरह के ऐसी चीजें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन को मिलती हैं या फॉरेस्ट से निकलती हैं। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे हक होता है ग्राम सभा का, और ऐसा बताया गया इस एक्ट में। शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन होनी चाहिए पंचायत लेवल पे। पेसा एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर किसी भी तरह की जबरन जमीन किसी की छीनी गई है तो उसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। विलेज मार्केट को भी मैनेजमेंट करने का पावर ग्राम सभा को दिया गया है। माइनर वाटर बॉडीज, जो भी छोटी वाटर बॉडीज हैं वहां पर, वो भी ग्राम सभा के रेगुलेशन के अंदर आएंगी या मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। मनी लेंडिंग के काम को भी, यानी उधार देने के काम को भी कंट्रोल करने का काम ग्राम सभा है। अगर वो चाहे तो मनी लेंडर्स को अपने यहाँ पर या साहूकारों को अपने यहाँ पर आने से रोक सकती है। किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन या फंक्शनरी सोशल सेक्टर के होंगे उनको भी रेगुलेट करने का काम ग्राम सभा करेगी। वो डिसाइड करेगी कि क्या मुझे ये सोशल सेक्टर की सर्विसेज चाहिए या ऐसे प्लानिंग हमारे यहाँ पर ज़रूरत है एट ऑल। लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी पेसा एक्ट के जरिए, उस तरह की रिजल्ट निकल के नहीं आए। कहीं ना कहीं ये एक्ट फेल हुआ। इनके कुछ मुख्य कारणों में ये थे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने कभी बनाया ही नहीं, और इस लूप होल का फायदा उठाकर स्टेट गवर्नमेंट अब भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपनी मोनोपोली जमाए हुए थी। बहुत सारे स्टेट में बैम्बू और टेंडू को, टेंडू इस तरह का पत्ता है जिसे बीड़ी वगैरह बनती है, इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हिस्सा उन्होंने माना ही नहीं। 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कहा गया है कि बांबू एक तरह का पेड़ है, ग्रास नहीं है या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है। तो दोस्तों, बस जाते जाते देख लेते हैं कि हमारे कंट्रीज में कितने तरह के अर्बन लोकल बॉडीज एक्चुअली में पाए जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े सिटीज के लिए बनाई जाती हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट के जरिए ही बनाती है। अगर ये यूनियन टेरिटरी में है तो इनके लिए लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। म्यूनिसिपलिटी ये भी सिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बनाए जाने वाली सिटीज़ से थोड़ी छोटी होती हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये कमेटी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऐसे एरियाज़ के लिए जो कि अभी भी सिटीज़ या फिर मेगा सिटीज़ के रूप में उभर के नहीं आए हैं। ये कुछ लेकिन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो जिनमें पोटेंशियल है कि वो आगे आने वाले समय में ऐसे सिटीज़ बन जाएं, और ऐसे एरियाज़ को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, और ऐसे जगहों पर जो कमिटीज़ बनाई जाती है उसे नोटिफाई एरिया कमेटी कहते हैं। टाउन एरिया कमेटी, ये भी टाउन्स के लिए बनाई जाती है। स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये फंक्शन बेस्ड एजेंसीज हैं न कि एरिया बेस्ड। ऐसे एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है फॉर सम स्पेशल पर्पस, जैसे ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना है, अच्छा कोई सर्विस लेके आना है उसके लिए। पोर्ट ट्रस्ट, जो पोर्ट एरियाज में जैसे कि
पारादीप हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, तो इन एरिया में स्पेसिफिक एमिनिटीज ताकि अच्छी तरह से पहुंच सकें, इस कारण से पोर्ट ट्रस्ट बनाए जाते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है इसको, मिलिट्री या फिर बैरक एरिया होता है जहां पर छावनी बना के मिलिट्रीज रहती हैं, तो वहां पर सिविक एमिनिटीज पहुंचाने की व्यवस्था कैंटोनमेंट बोर्ड के जरिए होती है। तो ये 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो किसी भी तरह का डाउट होता है आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन पे आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर मैं उसको वहां पर एड्रेस कर दूंगा। एम लक्ष्मीकांत, और इंटरनेट से मैंने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो ली है। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक आई सेड, अपने फीडबैक को और डाउट को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किसी भी चीज़ को समझने में या कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन का यूज़ करें। पसंद आए क्लास तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम अपनी तरफ से आने वाले किसी भी वीडियो को या इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं या अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत बता सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।